नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि रेजोल्यूशन क्या होता है। अगर आपको कोई वीडियो शूट करना है, सबसे पहले आप अपने कैमरे में रेजोल्यूशन सेट करेंगे। किस प्लेटफॉर्म के लिए आपको वीडियो क्रिएट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वीडियो शूट अपना HD में करना है या फुल HD में या फिर 4K में। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है कि आप कितने FPS पे अपने वीडियो को शूट करना चाहते हैं। आपने देखा होगा DSLR या मिररलेस कैमरा में आपको डिफरेंट FPS पर शूट करने के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे 24, 25, 30, 50 या 60 FPS में आप अपने वीडियो को शूट कर सकते हैं। इसके अलावा कई मिररलेस कैमरा आज मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें आप 120, 180 और 240 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो फ्रेम रेट सिनेमा के इतिहास में सबसे पुराने शब्दों में से एक है, लेकिन ये आज भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि पहले कैमरे के आविष्कार के समय था। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जान पाएंगे कि FPS क्या होता है, वीडियो में FPS क्यों इम्पोर्टेंट है, 24, 25, 30, 60, 120 या 180 FPS का क्या मतलब है और ये आपके वीडियो के लुक को कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे वीडियो फॉर्मेट के बारे में, जो कि PAL और NTSC है। और अंत में हम लोग जानेंगे कि अगर आप अलग अलग FPS यूज कर रहे हैं अपनी वीडियो के लिए, तो किस तरह से हर एक FPS में आपकी वीडियो फाइल का साइज बदलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि FPS क्या होता है। FPS का मतलब है फ्रेम्स पर सेकेंड, जिसे हम लोग फ्रेम रेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आसान भाषा में फ्रेम रेट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, तो बचपन में हम सब लोगों ने फ्लिप बुक देखी होगी। फ्लिप बुक के हर एक पन्ने में एक इमेज होती थी, और जब हम फ्लिप बुक के पन्नों को तेजी से पलटते थे, तो उसमें जो इमेजेस थी वो ऐसा लगता था जैसे चल रही हैं। तो दोस्तों, जो वीडियो की टेक्निक है वो भी कुछ इसी तरीके की है। वीडियो फोटोज की एक श्रृंखला है, जिसे स्क्रीन पर एक बार में इतनी गति से दर्शाया जाता है कि वह मूवमेंट या चलने का भ्रम देता है। अब अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो 25 FPS पे शूट हुआ है, यानी एक सेकंड में आप 25 फ्रेम देख रहे हैं। अब यहां पे इसी वीडियो को अगर मैं 15 FPS में चलाऊंगा, तो आप देख सकते हैं, अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करें, कि जो हमने 15 FPS पर शूट किया है उसमें सब्जेक्ट की मूवमेंट थोड़ी तेज है। आप लोग अगर चार्ली चैपलिन की मूवीज देखेंगे, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे जो सब्जेक्ट है हमारा, उसकी मूवमेंट थोड़ी तेज है। फ्रेम रेट कम रखने पर फिल्म रुक रुक कर और तेजी से चलती है। अब अगर आप 15 FPS की वीडियो को 60 FPS की वीडियो से कंपेयर करेंगे, तो आप देख सकते हैं जो हमारी 60 FPS की वीडियो है उसमें सब्जेक्ट की मूवमेंट थोड़ी स्लो है। अब अगर हम लोग बात करें ह्यूमन आई की, तो अगर आपको एक सेकंड में 10 से 12 फ्रेम दिखाए जाए, तो आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन 16 FPS और उससे ऊपर के फ्रेम रेट में हमें लगता है कि हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो 16 FPS में भी आपको जर्क नजर आएंगे। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, व्हाई डज फ्रेम रेट मैटर? फ्रेम रेट ग्रेटली इंपैक्ट्स द स्टाइल एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफ अ वीडियो। डिफरेंट फ्रेम रेट्स यील्ड डिफरेंट व्यूइंग एक्सपीरियंसेस। एंड चूजिंग अ फ्रेम रेट ऑफन मीन्स चूजिंग बिटवीन थिंग्स सच एज हाउ रियलिस्टिक यू वॉन्ट योर वीडियो टू लुक और वेदर और नॉट यू प्लान टू यूज टेक्निक सच एज स्लो मोशन और मोशन ब्लर इफेक्ट्स। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें, हम लोग जो मूवी देखते हैं दोस्तों, उसमें जो फ्रेम रेट होते हैं वो होते हैं 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, क्योंकि ये वो फ्रेम रेट है विच इज सिमिलर टू हाउ वी सी द वर्ल्ड। 24 FPS स्टैंडर्ड फिल्म फ्रेम रेट है।
अब अगर कोई वीडियो है जिसमें काफी ज्यादा मोशन है, जैसे कि कोई स्पोर्टिंग इवेंट, तो उसमें जनरली हम लोग हाई फ्रेम रेट में शूट करते हैं, क्योंकि एक बारी में काफी कुछ एक्शन होता है और हायर फ्रेम रेट्स कीप्स द मोशन स्मूथ एंड द डिटेल्स क्रिस्प। अब अगला सवाल जो एक नोवेस फिल्म मेकर को कंफ्यूज करता है कि वो अपनी वीडियो के लिए कौन सा फ्रेम रेट चूज करे। जितने भी बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, देयर इज नो बेस्ट फ्रेम रेट। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अलग अलग फ्रेम रेट्स अलग अलग रिजल्ट देंगे, तो आपको अपने शूट के अकॉर्डिंग वो फ्रेम रेट चूज करने होंगे जो आपकी वीडियो के लिए फिट हो। दोस्तों, आजकल जितने भी DSLR या मिररलेस कैमरा मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें अलग अलग FPS पर आप वीडियो को शूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 24 FPS के बारे में। इसको हम लोग सिनेमैटिक फ्रेम रेट भी बोलते हैं। अगर आपको अपनी वीडियो को सिनेमैटिक लुक देना है, तो आप 24 FPS पर शूट कर सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर मूवीज। इसमें आपकी फिल्म स्वाभाविक लगती है, यानी जैसी आपकी आंखें किसी चीज को देखती हैं। इसके अलावा अगर कोई फिल्म हाई FPS में शूट हुई है, वो भी जनरली 24 FPS में ही प्रोड्यूस और डिस्प्ले होती है। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 25 या फिर 30 FPS का। दोस्तों, 25 या 30 FPS क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग बात करते हैं वीडियो फॉर्मेट की। अगर आपने कभी भी DSLR या मिररलेस कैमरा से शूट करा होगा, उसमें एक सेटिंग होती है वीडियो फॉर्मेट की, जिसमें आपको PAL या फिर NTSC में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। तो ये PAL और NTSC क्या है? दोस्तों, NTSC और PAL वीडियो मोड्स हैं, इन विच डिजिटल वीडियो इज स्ट्रीम्ड और ब्रॉडकास्टेड इन द वर्ल्ड। बात करते हैं NTSC या नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमिटी की। इट इज द स्टैंडर्ड मोड ऑफ वीडियो ब्रॉडकास्ट इन कंट्रीज लाइक USA, कनाडा, जापान एंड सो ऑन। दोस्तों, NTSC में 1 सेकेंड में 30 FPS ट्रांसमिट होते हैं और हर फ्रेम में 525 स्कैन लाइंस होती हैं, जबकि PAL या जिसे हम लोग फेस ऑल्टरनेटिंग लाइन भी कहते हैं, जनरली एशिया और यूरोप में यूज होता है। इंडिया में भी हम लोग PAL यूज करते हैं। PAL में 1 सेकेंड में 25 FPS ट्रांसमिट होते हैं और हर एक फ्रेम में 625 स्कैन लाइंस होती हैं। तो अब सवाल उठता है, आप अपनी वीडियो के लिए कौन सा फॉर्मेट चूज करें? दोस्तों, आज की डेट में क्रॉस स्टैंडर्ड सपोर्ट काफी इंप्रूव हो चुका है, लेकिन बेटर यही है कि आप जिस रीजन में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो फॉर्मेट को चूज करें। DSLR या मिररलेस कैमरा में, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर रिकॉर्डिंग ऑन PAL और NTSC, द फ्रेम रेट्स यू कैन चूज फ्रॉम विल डिफर। PAL में आपको 25 FPS या 50 FPS पर शूट करने के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि NTSC में आपको 24, 30 या 60 FPS में शूट करने का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, बेसिकली NTSC या फिर PAL तब ज्यादा मैटर करता था जब घरों में एनालॉग टीवी हुआ करते थे, लेकिन अब वीडियो ब्रॉडकास्ट पूरी तरीके से चेंज हो गया है और आप किस वीडियो फॉर्मेट में शूट कर रहे हैं वो आज के डिजिटल एज में इररेलेवेंट है। अब बात करते हैं कि ये 25 या 30 FPS क्या है। दोस्तों, स्टैंडर्ड टेलीविजन फ्रेम रेट 25 FPS है या फिर कुछ कंट्रीज में ये 30 FPS है। दोस्तों, अधिकतर टीवी शो इसी फ्रेम रेट पर शूट किए जाते हैं, जिससे ब्रॉडकास्ट करने पर जैसा हमने शूट किया है टीवी पर वैसा ही दिखे। अब आते हैं हम लोग 60 FPS पे। दोस्तों, इस रेट पर शूट करने पर एक साधारण सा स्लो मोशन जैसा इफेक्ट आपको मिलता है। इसका प्रयोग आप खेल के दौरान कर सकते हैं, कोई ऐसा खेल जिसमें थोड़ी मूवमेंट फास्ट है। मतलब यह है कि दोस्तों, यदि हम तेज गति वाले सब्जेक्ट को 60 FPS पर शूट करते हैं, तब उसका मूवमेंट असली जैसा दिखाई देगा और इस दशा में कोई भी फ्रेम नहीं छूटेगा। अब बात करते हैं 120 फ्रेम रेट की या उससे जो ऊपर हमारे फ्रेम रेट है। दोस्तों, अगर आपको किसी वीडियो को सुपर स्लो मोशन में दिखाना है, तब आप 120 FPS या उसके ज्यादा के FPS का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सपोज आपको कोई स्पोर्ट्स इवेंट दिखाना है जिसमें काफी तेजी से एक्शन हो रहे हैं, अब अगर आप उसको 24 FPS पे शूट करेंगे तो क्या होगा? मोशन ब्लर का इफेक्ट होगा, आपके जो फ्रेम्स हैं वो स्किप होंगे। लेकिन अगर आप उसी वीडियो को 120 पे शूट करेंगे या 180 पे शूट करेंगे तो जो आप वीडियो देखेंगे वो काफी स्मूथ लगेगी आपको, क्योंकि आपका कोई भी फ्रेम नहीं छूटेगा। तो जो भी हमारे एक्शन वीडियोस हैं उसमें हम लोग हाई FPS का शूट करते हैं। अब एक चीज और देखते हैं दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम रेट्स किस तरीके से फाइल साइज को बढ़ाते हैं। अगर हम लोग 25 फ्रेम्स की बात करते हैं और हम लोग 4K रेजोल्यूशन पर अपने वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है दोस्तों, 1 सेकंड में आप 25 फ्रेम ले रहे हैं। अब अगर आप 4K वीडियो को 120 FPS पे शूट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है 1 सेकंड में आपके पास 120 फ्रेम्स हैं, या कहें 120 इमेजेस हैं। तो इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है दोस्तों, अगर आप हाई FPS पे शूट कर रहे हैं जो आपकी वीडियो फाइल का साइज होगा वो काफी ज्यादा होगा। अब अगर आपको अपनी वीडियो को कहीं डिलीवर करना है तो आपके लिए परफेक्ट FPS क्या रहेगा? दोस्तों अगर आपको डिजिटल वीडियो कंटेंट आप बना रहे हैं तो आप वेबसाइट के शर्तों के हिसाब से ही फ्रेम रेट्स का उपयोग करें। अगर आप टीवी या ब्रॉडकास्ट करने के लिए अपने वीडियो को बना रहे हैं तो आप 25 FPS पे अपने वीडियो को शूट कर सकते हैं, और अगर आप मूवी बना रहे हैं तो आप 24 FPS पे अपने वीडियो को शूट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको फ्रेम रेट किसी भी वीडियो में क्या होते हैं और किस तरीके से ये आपकी वीडियो को इफेक्ट करते हैं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।